हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेल व आम बजट को लेकर सारी संस्था ने किया हस्ताक्षर अभियान शुरू। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रेल व राजस्थान सरकार के आगामी बजट में होने वाली घोषणाओं को लेकर पूर्व तैयारियों के रूप में मारवाड़ क्षेत्र की एकमात्र सरोकार स्वयं सेवी संस्था श्री साई दर्शन सेवा संस्था द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में रेलवे संबंधी व मारवाड़ क्षेत्र में विभिन्न जन सुविधाओं को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम के ज्ञापन के माध्यम से आगामी बजट में होने वाली घोषणाओं में मिलने वाली संभावित सौगात को लेकर घर घर व दुकान दुकान हस्ताक्षर युक्त अभियान शुरू कर दिया है। साई संस्था अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीना ने बताया कि लगभग 28 वर्षों से हस्ताक्षर अभियान जारी है। मारवाड़ जंक्शन पाली जिले का एकमात्र व पश्चिमी राजस्थान का मुख्य जंक्शन रेलवे स्टेशन शहरनुमा कस्बा है, परंतु फिर भी अनेक सुविधाओं से महरूम है। रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं होने, मारवाड़ जंक्शन शहर से विभिन्न प्रकार के वाहनों के आवागमन में होने वाली परेशानियों को लेकर अब तक एक भी रोड ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज व मिनी अंडरब्रिज नहीं होने, मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन का कार्य अब तक शुरू नहीं होने, जोधपुर रेलवे फाटक की रेलवे लाइन को बाईपास से अब तक संचालित नहीं करने, मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एटीएम व्यवस्था नहीं होने, गौरमघाट लाइन में रेल बस संचालित नहीं करने जैसी सुविधाओं की विभिन्न मांगों एवं मारवाड़ जंक्शन में अब तक नगर पालिका नहीं होने, सरकारी महाविद्यालय का भवन नहीं होने, अग्निशमन गाड़ी उपखंड मुख्यालय पर नहीं होने, मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की घोषणा नहीं होने, सरकारी चिकित्सालय में सर्जन, शिशु रोग व महिला चिकित्सक की नियुक्ति अभी तक नहीं होने, कस्बे के पूर्व छोर पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने एवं मारवाड़ जंक्शन में पार्क संचालित करने जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। मीना का कहना है कि इस बार रेल व आम बजट संबंधी घोषणाओं को लेकर बजट में कई आशाएं हैं। हालांकि कोरोना की वजह से कई प्रकार का बजट मिलना असंभव है, परंतु फिर भी आम आवश्यकताओं की सुविधाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं यदि होती हैं तो आम जन को राहत मिल सकेगी। जागरूक टीवी के लिए मारवाड़ से खास रिपोर्ट।